अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आज हमें एसडी कॉलेज के बारे में बताएं। हालांकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं इंडिविजुअल जो कॉलेजेस हैं हमारे, चाहे डीवी कॉलेज हो, चाहे वो हमारे एसडी कॉलेज हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज हो, खालसा कॉलेज हो, तो उनकी सभी की वीडियो इंडिविजुअल बना रखी है मैंने, एमसीएम डीएवी की भी बना रखी है। लेकिन फिर भी आज डिमांड थी कि एसडी कॉलेज के बारे में बताएं। तो एसडी कॉलेज की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं डीएचसी के थ्रू हमारे जो है कोर्सेज जो है अप्रूव्ड कोर्सेज हैं यहाँ पर, और उसका एडमिशन जो है यहाँ पर चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज हैं। और आज की डेट में अगर हम पंजाब का सिनेरियो देखें, तो आज ही मैं अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था कि आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, और वो डिप्लोमास को प्रेफर कर रहे हैं, डिप्लोमास को प्रेफर कर रहे हैं। और क्योंकि आईलेट्स करके विदेश में जा के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसी वजह से आज हम यहाँ पर पहले तो सबसे पहले कॉलेज का टूर करते हैं। तो ये आप कुछ ग्लिम्सेस देखिए हमारे कॉलेजेस की, और आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि भाई एसडी कॉलेज में ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए। और आपको अपने आप ही क्लेरिटी रहेगी, अपने आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है हमारे पास, और बहुत बड़ा कैंपस है इसका, और 32 सेक्टर के अंदर ये स्थित है। ये हमारा साइंस ब्लॉक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास टीचिंग ब्लॉक्स हैं, और ये देखिए कितना बड़ा कैंपस है। ये मिनी ऑडिटोरियम इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके बाद हम बात करें, ये मेन ऑडिटोरियम है हमारे पास। और इसके बाद अगर हम लैब्स की बात करें, जो कि एक बहुत ही अहम भूमिका निकालती है, ये केमिस्ट्री लैब की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री लैब्स हैं यहाँ पर हमारे पास। और इसके बाद अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी लैब की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें हमारी बायोटेक्नोलॉजी लैब्स की, इसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी लैब्स की पूरी जियोलॉजी लैब्स की बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास है फिज़िक्स लैब्स, तो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास यहाँ पर है। डार्क रूम जो कि फिज़िक्स लैब का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। ये हमारी जियोलॉजी की लैब्स हैं, और ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस लैब्स है हमारे इंडिविजुअल साइंस लैब, और उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी लैब, और इसके साथ हमारे पास फैशन टेक्नोलॉजी लैब्स, क्योंकि यहाँ पर फैशन में बैचलर वोकेशनल कोर्सेज हैं। और ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट है, ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट्स की कुछ पिक्चर्स हैं। तो ये आप पूरी जानकारी अपने एसडी कॉलेज के बारे में देख पा रहे हैं। तो जैसे कि लाइब्रेरी है जिसमें बच्चों को बुक्स मिल जाती है, डिजिटल लाइब्रेरी भी हमारे पास है, और लाइब्रेरी में रीडिंग रूम्स हैं हमारे पास। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे और भी जो अपडेट्स हैं आप देख पाएंगे। इसके बाद हॉस्टल के अंदर जिम है, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो थे कि देखिए आपने कुछ ग्लिम्पसेस। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे कोर्सेज़ की बात करेंगे। तो कोर्सेज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि कोर्सेज़ हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। तो सिलेक्ट द कोर्सेज़ में अगर हम एडमिशन शेड्यूल आप देख चुके हैं, और यहाँ से हमारे पास जो है जो कोर्सेज़ हैं वो आपको अवेलेबल यहाँ पर, यहाँ से डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट्स हैं, आवर प्रोग्राम्स बी ए जनरल है, बैचलर वोकेशनल एग्रीकल्चर है, और बैचलर वोकेशन फैशन टेक्नोलॉजी जैसे अभी आपने डिपार्टमेंट देखा, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। और ये तमाम कोर्सेज़ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आगे कर सकते हो। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको यहाँ से पिकअप करती है हमारे स्टूडेंट्स को, और काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पर पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक बार विज़िट करें, और फिर सेटिस्फेक्शन होने के बाद आप यहाँ पर, अगर ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती है BCA, जैसे कि आप देख रहे हैं 19th रैंक है इसका, और BBA का जो है 23rd रैंक है। तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है BCA और BBA यहाँ पर, और BCOM भी यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर जो मेरिट जाती है वो 100+ मेरिट जाती है। तो कोर्सेज़ की बात हम यहाँ पर करें, तो आपके सामने है ये हमारे पास
पीजी कोर्सेज की बात करें, हम यूजी कोर्सेज की बात करते हैं, तो यूजी कोर्सेज की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो कोर्सेज की बात, यूजी कोर्सेज की, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की ये अपडेट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास अपडेट्स नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब वैसे मैं आपको कोर्स बता चुका हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर विज़िट करने के बाद आप आराम से अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन कॉलेज रहेगा। तो जैसे कि अभी रिव्यू मांगा था, तो रिव्यू में आपने देखा कि इस कॉलेज की रैंकिंग और ये तमाम बातें जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको कोर्सेज के बारे में और इसकी जो हाइलाइट्स हैं वो सारी मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर दो प्रकार की एडमिशन है, एक सेंट्रलाइज और एक नॉन सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एडमिशन के लिए तो आपने DHE के थ्रू ही फॉर्म भरना है, और उसके बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद जो नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन है, उसके लिए आपने कॉलेज साइट पे जाके ही नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन्स पे क्लिक करके आपने एडमिशन्स करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी अपडेट, तो एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज दोनों की दी हुई है। तो यहाँ से आप अपने स्ट्रीम को चुनकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर और कोई अपडेट चाहिए होगी तो आप हमें एक संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके साथ वीडियो बनाकर डालूंगा। तो क्यों आज ले एडमिशन SD कॉलेज में, ये था आज हमारा विषय। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल। चैनल की वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सब्सक्रिप्शन है, और साथ साथ ही अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, शुभ दिन के साथ, कल का दिन भी आपका मंगलमय हो।